नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे खेत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ फार्म हाउस टूर के पार्ट टू के साथ। दो तीन दिन यहाँ रुके तो क्या क्या किया, सारी झलकियाँ आप ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखिए, बहुत सारी हार्वेस्टिंग हुई, उधर सनसेट हो रहा है और इधर चांद भी एक साथ आसमान में। शाम का समय है और पिछले वीडियो में मैंने दिखाई थी कि सेम बहुत फल रही है, तो आज दो तसले भरकर, दो तगाड़ी भरकर तोड़ी है मैंने सेम, और बस बांटने के ही काम आएंगी। मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी सेम की, क्योंकि दो तगाड़ी तोड़ने में तो मुझे बहुत समय लगा और उतना समय आप सिर्फ सेम तोड़ते हुए देखेंगे तो बोर हो जाएंगे। और हाँ, नेक्स्ट डे बिटिया सरप्राइज़ के तौर पर भोपाल से आ गई और उसकी जंजर साथ आई, तो इसलिए इस वाले वीडियो में आपको बिटिया भी दिखेगी। सांची भोपाल से बहुत दूर नहीं है, आप एक सवा घंटे का रास्ता है, आप अपने वाहन से आते हैं तो बड़े आराम से आप आ सकते हैं और शाम को लौट कर भी जा सकते हैं। तो बस ऐसा ही हुआ कि हम तो दो दिन पहले आ गए थे और आज के दिन बिटिया की छुट्टी थी काम से, तो उसे लगा कि चलो एक चक्कर मम्मी पापा के पास लगा के आते हैं, तो वो आ गई। और कितनी हेल्दी सेम है, और छत पर जब सेम उगाती हूँ तो कितनी परेशानी होती है, एक बेल मुश्किल से सरवाइव करती है, और यहाँ तो बस पूछिए मत। अब ये आ गए हम घर के पीछे, बहुत दिन से सोच रहे थे कि होले खाएंगे, तो आज होले टूट कर आ गए हैं। और सिर्फ होले ही नहीं है, गेहूं की बालियां भी हैं। आप लोग जो गांव से जुड़े होंगे उन्हें इन पारंपरिक चीज़ों का स्वाद निश्चित ही पता होगा। गेहूं की बालियां गरम सेक कर गरम गरम खाने में इतनी मीठी, इतनी स्वादिष्ट लगती हैं। और अगर ध्यान हो तो हमारे यहाँ पुराने समय में तो होली पर गेहूं की बालियां ज़रूर भुनी जाती थी, और उनका कुछ न कुछ संदेश भी होगा, पर हम तो घर से निकले थे तभी सोच कर निकले थे कि होले भून कर खाएंगे। दरअसल जब खेत पर आते हैं तो आते ही तो बहुत सारा काम होता है, तो दो दिन एक मजदूर लगवाया और काम में ही निकल गया। और देखो बिटिया मस्ती कर रही है, ट्रैक्टर ट्रॉली पर डांस हो रहा है। ठीक है ना, खुश होने के लिए कोई विशेष वजह नहीं चाहिए, आप ऐसे भी खुश हो सकते हैं। और आज की ये जो शाम है, यहाँ सनसेट हो रहा है, हल्की सी ठंड है, सच में बहुत खुशनुमा मौसम है। और मैं पहले भी कहती हूँ, मुझे खेत पे और नेचर के बीच मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, शायद इसलिए मुझे सब कुछ खुशनुमा लगता हो, या हम महानगरों में रह रहकर इतने ऊब गए हैं कि खुली जगह, खेत, हरियाली, हमें मतलब ऐसे लगता है जैसे कि प्राणों में बिल्कुल संचार, नया संचार हो गया हो, जैसे कि क्या कहूँ, बस बहुत ही अच्छा लगता है। सो आज का दिन तो हमने बहुत मस्ती में गुजारा, खूब सारी हार्वेस्टिंग की, खूब सारा सुबह काम किया और फिर होले भूने। और अभी आप जाइए नहीं, अभी बहुत सारी हार्वेस्टिंग आपको दिखाने वाली हूँ मैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गोभी ओवरग्रोन हो गए हैं, लेकिन हमने जब इनको उखाड़ कर खा के देखा तो इतने मीठे और डंठल मुलायम है, बस देखने में डी शेप हो गए, शेप बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बाकी ऐसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बिटिया को हमारी को फ्रेश गोभी फ्राई करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के बहुत पसंद है, तो वो बोली मम्मी मैं लेकर जाऊंगी। वो आज शाम को ही, सुबह ही आई, दोपहर में आई और शाम को लौट भी जाएगी, तो जितने उसे तल कर खाना है उतने को भी वो ले जाएगी, उसके बाद जब मैं वापस जाऊंगी तो मैं ले जाऊंगी। सो तीन चार गोभी वो निकाल लेगी, जितनी तुम तल और के खाओ ना उतनी अभी ले जाओ, फिर मैं लेके, हम लेके आ खाएंगे, उनको बांट भी देंगे। जब भी खेत में फसल लगाते हैं तो यही एक समस्या हमेशा आती है, क्योंकि हम एक समय में फसल लगाते हैं तो फिर ये होता है कि वो आती भी इकट्ठी है, तो बहुत सारे गोभी
तोड़ ले रहे हैं। ये हाँ दरअसल जब ये फ्राई वाला करते हैं ना तो वो फ्राई होने के बाद थोड़े से ही रह जाते हैं, तो खाने को बैठेंगे कि एक बड़ा गोभी बहुत हाँ आसानी से देखो ज़रा सी क्वांटिटी में रह जाएगा। लेकिन इनको अगर समय से उखाड़ लिया जाता तो ये इतने ओवरग्रोन ना होते। तो ये पौधे वही हैं जो हमने जो छत पे हमारे यहाँ ड्रम में लगाए हैं, क्योंकि छत में कंटेनर छोटा है। सेम एक ही डेट में एक ही जगह से हम पौध लेकर आए थे, लेकिन यहाँ खेत में लगने से इसकी साइज कितनी बड़ी हो गई, जबकि ड्रम में ये बहुत छोटी छोटी साइज के रह गए। तो टेरेस गार्डनिंग और जो ज़मीन में खेती में बड़ा फर्क होता है। जो रिजल्ट ज़मीन में मिलते हैं वो कंटेनर में कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए जो लोग खेत में उगाते हैं उन्हें छत पर उगाने में मज़ा भी नहीं आएगा। वो तो हम जैसे लोग हैं जो जिनका शौक़ बहुत है, या जो शहरी लोग हैं जिनके पास खेत की सुविधा नहीं है, तो वे फिर क्या करें बेचारे। मन का धन करना होता है तो कंटेनर में ही सही। और ये 4 फूल तोड़ लिए हैं और हाँ 2 बिखरे हुए हैं, 2 फिर भी हाँ बंधे हुए हैं। और अब तोड़ते हैं पत्ता गोभी। बिल्कुल एक डायरेक्शन में मुड़े हुए हैं सारे गोभी। जब सन का जो डायरेक्शन होता है ना, उस डायरेक्शन में जैसे कि सनलाइट को वो अपने आप में खींच रहे हों। देख सारे गोभी बिल्कुल एक डायरेक्शन में है। तो बस टूटने के लिए तो लगभग सभी तैयार हैं, पर नहीं, आज हम तोड़ेंगे, 5 तोड़ेंगे। और तोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये हार्ड हो जाते हैं तो फिर बेस्वाद हो जाते हैं, इनके स्वाद वैसा नहीं रहता। और पत्ता भी इनका इतना हार्ड हो जाता है कि जब इसे बारीक काट के आप बनाओगे ना तो घुलने में मज़ा नहीं आता। तो ये ले जाएगी भोपाल और बांटने के काम आएंगे। एक हाथ की सब्जी बना सकते हैं। और आप लोग को तो पता है कि छत पर भी मेरे पत्ता गोभी लगे हैं और टूटने को तैयार हैं। अब पत्ता गोभी की समझ लो भरमार है इस समय। अब आप फ्राइड राइस में खाएं या सब्जी बना के खाएं या फिर सूप में डालें। तो 3 पहले तोड़ लिए, 2 अभी तोड़ लिए, और ये देखिए किरण, ये रोशनी की किरण इतनी सुंदर लग रही है, सीधे सीधे देखिए आ रही है। कैमरे में ये क्लियर दिखता है। और ये जो 2 पहाड़ियों के बीच में सनसेट होता है, मुझे जहाँ तक ध्यान है, मैंने आपको बहुत बार दिखाया होगा, जब भी मैं खेत पर आती हूँ तब भी मैं ये सनसेट हमेशा कवर करती हूँ। सनराइज उतना खूबसूरत नहीं होता यहाँ का जितना कि सनसेट होता है। हाँ, इसकी जगह समय समय पर बदल जाती है मौसम के साथ। सर्दियों में थोड़ा दाईं तरफ खिसक जाता है, गर्मियों में थोड़ा सा बाईं तरफ। सूर्य की जो भी गति होगी, और 2 किरण है कैसी टाइम से देखिए बिल्कुल आ रही हैं, और बीच में उड़ रहा है ये कोई कीट पतंगा। तो ये दृश्य तो अद्वितीय है। और ये हम जब अपने उसमें बालकनी में बैठते हैं तो ये रोज दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। तो भाई कुछ पानी दे दिया, कुछ हार्वेस्टिंग हो गई, और अब बिटिया की हो गई वापस जाने की तैयारी। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सनसेट के बाद चले जाओ, पर वो कह रही मैं सन बाथ जरूर लूंगी। और ये है सन बाथ। आप भी देखिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।